दोस्तों रानू मंडल जैसे कई ऐसे ही कलाकार जो रातों रात फेमस तो हो गए, लेकिन अपनी गलतियों और अकड़ के कारण जितनी जल्दी फेमस हुए उतनी जल्दी गुमनामी के अंधेरे में भी खो गए। इनमें से रानू मंडल के नखरों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इससे पहले इनके ही जैसे फेमस हुए कलाकारों के बारे में भी जान लीजिए। डॉली चाय वाला। दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले एक वो चाय वाला फेमस हुआ था जो कि आज देश चला रहा है, लेकिन अब डॉली चाय वाला भी आजकल खूब फेमस हो रहा है, क्योंकि इनका फेमस होने का कारण इनका अलग स्टाइल है और इनके इसी स्टाइल की वजह से इन्हें सेलिब्रिटी चाय वाला कहा जा रहा है और लोग दूर दूर से इनके पास चाय पीने के लिए आते हैं, क्योंकि इनका चाय और सिगरेट पिलाने का स्टाइल लोगों को काफी पसंद आता है, जिसकी वजह से ये नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस चाय वाले बन चुके हैं। और दोस्तों ये अपने ग्राहक के साथ हंसी मजाक करते हुए उसे चाय और सिगरेट पिलाते हैं, और जिसमें कई बार ये ऐसी बातें बोल देते हैं जो लोगों को बुरी लग जाती है, जिसकी वजह से अब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। मुंह में ले लो, वेरी गुड, खींचो, चलो ये हाथ में ले लो चाय। भुवन बडियाकर। भुवन एक छोटे से गांव में साइकिल से मूंगफली बेचा करते थे और मूंगफली बेचते समय एक अनोखा गाना कच्चा बादाम गाया करते थे, और एक आदमी ने इनकी ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और ये गाना लोगों को इतना पसंद आया कि जिसकी वजह से ये रातों रात वायरल हो गए, और वायरल होने के बाद ये हवा में उड़ने लगे, क्योंकि इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए भुवन को 3 लाख रुपए मिले थे और उन्होंने इस पैसे से अपना घर सही कराने के बजाय एक गाड़ी खरीद ली, क्योंकि गाना रिकॉर्ड करने के बाद ये सोच रहे थे कि अब ये पूरी दुनिया में छा जाएंगे और इन पर पैसों की खूब बारिश होने लगेगी, और इसी सोच की वजह से इनका लोगों के साथ रवैया बदल गया और भुवन का सितारा जितनी जल्दी चमका था उतनी ही जल्दी डूब भी गया। लेकिन सिर्फ एक गाने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती, और फेमस होने के बाद ये किसी को अपने आगे कुछ समझते ही नहीं थे, लेकिन शायद भुवन ये बात भूल गए थे कि कोई भी कलाकार अपनी किस्मत से नहीं बनता बल्कि उसे देखने और पसंद करने वाले लोग बनाते हैं। लेकिन आज भी भुवन अपने पुराने घर में गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। प्रिया प्रकाश। दोस्तों प्रिया प्रकाश 2018 में अपनी मालियम फिल्म के गाने में आंख मारकर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इस छोटे से क्लिप ने इनकी पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में बना दी थी, और ये एक ही रात में इतनी ज्यादा वायरल हुई कि इनके इंस्टाग्राम पर कई मिलियन फॉलोवर हो गए थे। इनका ऐसे आंख मारना लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ा देता था, क्योंकि जवान बूढ़े सभी इनकी सदाओं के कायल हो गए थे। लेकिन इनकी ये कामयाबी सिर्फ चंद दिनों की थी, अभी भी ये कई फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन आप अब इन्हें दोबारा देखने पर शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। रानू मंडल। दोस्तों कई साल पहले गाना गाकर भीख मांगने वाली रानू मंडल को आप शायद अब भूल भी गए होंगे, क्योंकि कई साल पहले ये बहुत ही ज्यादा चर्चा में रही थी और ये वेस्ट बंगाल के एक स्टेशन पर भीख मांगते हुए लता मंगेशकर का गाना प्यार का नगमा गा रही थी, और किसी ने इनका ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे लोगों को इनकी आवाज काफी पसंद आई और इनका ये गाना हिमेश रेशमिया ने सुना, और जिससे उन्होंने खुश होकर इन्हें अपनी एक फिल्म के गाने तेरी मेरी कहानी में काम करने का मौका दिया, और जिसके बदले में हिमेश रेशमिया ने इनको काफी अच्छी फीस भी दी थी। लेकिन ये भिखारी से इतनी बड़ी कलाकार बनी, लेकिन ये आज फिर से भिखारी बन चुकी है, क्योंकि इनके नखरे और तेवर ऐसे थे कि ये लोगों के साथ गलत व्यवहार करती थी, क्योंकि इनकी कई ऐसी वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें ये लोगों के साथ गलत तरीके से बात कर रही है। इसी कारण से लोगों ने इनके साथ बहुत ज्यादा ट्रोल किया, और साथ ही जो लोग रानू मंडल के साथ काम करना चाहते थे उन्होंने रानू मंडल के साथ काम करने से मना कर दिया, और आज रानू मंडल की हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता बन गई है। लेकिन आज भी कई यूट्यूबर और इंस्टाग्राम रील बनाने वाले इनके पास पहुंच जाते हैं, और आज भी इनकी अकड़ कम नहीं हुई है, और आप इस वीडियो से ये अंदाजा लगा सकते हैं। और अब भी रानू मंडल अपने आसपास के कई लोगों के साथ गलत व्यवहार करती है। इन्होंने वायरल हुआ था, बैठी ना, हेलो, क्योंकि वो पसीना का बदबू आता है, अरे उधर जाके बैठी ना। सहदेव। दोस्तों आपने सहदेव का बचपन के प्यार वाला गाना तो जरूर सुना होगा, क्योंकि इसका ये गाना सोशल मीडिया पर कई महीने ट्रेंडिंग में चला था, क्योंकि सहदेव की टीचर ने इसका गाना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था, और देखते ही देखते इसका ये वीडियो सोशल मीडिया पर रातों रात वायरल हो गया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर रैपर बादशाह की नजर पड़ गई और उन्होंने सहदेव को अपने गाने में काम करने का मौका दिया। लेकिन सहदेव को इस गाने को करने के बाद किसी और गाने में काम करने का मौका ही नहीं मिला, जिसके कारण सहदेव को कुछ भी फायदा नहीं हुआ। इस गाने से बादशाह ने लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन आज भी सहदेव अपने पुराने टूटे फूटे हुए कमरे में रहते हैं और गरीबी की जिंदगी जी रहे हैं। तो दोस्तों आपकी इन सभी कलाकारों के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।